मुंबई गैंगरेप मामले विच आज दोहां दोषियों नूं अदालत विच पेश कीता जा रहा है। उधर पीड़ित की हालत स्थिर दसी जा रही है पर सदमे विच है। शुक्रवार शाम नूं जारी किए गए मैडिकल बुलेटिन विच यह जानकारी दी गई है। पीड़ित लड़की का इलाज जसलोक हस्पताल विच कीता जा रहा है। मैडिकल बुलेटिन मुताबक पीड़ित लड़की नूं ICU विच रख्या गया है। पीड़ित लड़की की सर्जरी भी की गई है। दरिंदगी का शिकार होने के बावजूद महिला फोटो पत्रकार ने हिम्मत नहीं हारी है। देखिए, कल ही हमारी पुलिस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ थे। उसमें हमने बहुत चर्चा की। एक ही बात है कि हमें बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस बल को बढ़ाना पड़ेगा। ये आपका जो बोलना है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो सूचना है, वो एकदम से गलत है, ठीक है ना? ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसको हमारे पुलिस वालों ने उसको पकड़ा है, रात भर उसके लिए काम किया है। और इस तरह की बातें आप जो कर रहे हो और गलत बात जो फैला रहे हो, ये गलत है आपके लिए। पुलिस वालों की मेहनत के ऊपर ऐसा इस तरह बोल रहे हो। हमारी 20 टीम उसमें लगी हुई है। जो चार लोग अभी फरारी हैं उनके बारे में अपने को सब मालूम चला है, कहाँ कहाँ उनका उसका पूरा एड्रेस वगैरह मिले हैं। उसके लिए टीम अपनी लगी है, मेहनत से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की बात करना या फैलाना एकदम गलत। जहाँ तक सोशल की बात है, ये सोशल का जो मामला है उसके लिए पुलिस के पास का कोई ज्यादा वो नहीं है। ये समाज को सोचा, हमारा जहाँ तक है, हमारा एक लिमिटेड वो है कि जिन लोगों ने गलत काम ये गुनाह किया है उन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। अगर आप लोगों से मैं अपील करता हूँ, अगर आपके पास कोई सूचना है हमारे लोगों को आप बताइए। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।